हरिद्वार में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर कई हमले किए। हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में मोबाइल वैन के जरिए शराब बेची जा रही है, फिर भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने गाँव में विकास कार्य नहीं किए, इसलिए पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार तय है। राज्य की अर्थव्यवस्था भी बहुत खराब स्थिति में है, सारे गाढ़ गधेरे खोद डाले हैं, गांव गांव में शराब बेची जा रही है, उसके बावजूद भी राज्य की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे हैं। और एक मंत्री ने तो यहाँ तक कहा है जो मंदिरों के पास सोना है हम उस सोने को गिरवी रख करके कर्ज लेंगे और विकास के काम करवाएंगे। जब स्थिति यह है तो मैंने आग्रह किया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति पर विधानसभा का सत्र बुलाकर चर्चा हो।